कांग्रेस की गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी पर सीआरपीएफ ने दिया जवाब, कहा राहुल गांधी ने खुद ही 113 बार तोड़े सुरक्षा के नियम, दिल्ली में हुई थी राहुल की सुरक्षा में चूक। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के कफ सिरप वाले बयान को बीजेपी ने बताया शर्मनाक, जयराम रमेश ने कहा था जानलेवा लगता है मेड इन इंडिया कफ सिरप। यूपी में गरमाया ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, सपा प्रमुख अखिलेश बोले ओबीसी और अन्य समाज को आरक्षण छीनकर गुलाम बनाने की कोशिश। सांसद संजय राउत ने सीएम शिंदे के बयान पर किया पलटवार, कहा उद्धव ठाकरे की चर्चा तो पुतिन बाइडेन और चार्ल्स भी कर रहे हैं, शिंदे ने कहा था बिल क्लिंटन ने की उनकी चर्चा। हिमाचल में पर्यटक को ना हो परेशानी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश, हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले पर्यटकों की लगी भीड़। पंजाब में बढ़ाई गई सुरक्षा, नए साल पर पुलिस थाने या सरकारी बिल्डिंग को निशाना बना सकते हैं आतंकी। एनआईए ने प्रतिबंध संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं को बनाया निशाना, आज केरल में 56 स्थानों पर जारी छापेमारी। पीएम मोदी की मां हीराबा की तबीयत में सुधार, अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर अलर्ट पर भारत, दिल्ली में कोरोना के 13 नए मामले आए सामने। जनवरी में बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले, विदेशी यात्रियों के लिए जरूरी हो सकती है RT-PCR।